फ्रेंड्स, हम सभी के पास जो नेट पैक रहते हैं डेली डाटा पैक, तो इसका एक लिमिट रहता है पर डे लिमिट। बट मैंने कई सारे बार ऐसा नोटिस किया है कि हमारा जो डाटा पैक ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा जो डाटा है उसे पूरे तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिर भी यहाँ पर SMS शो होता है कि यू हैव कंज्यूम्ड 100% डाटा। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का सामना आपने कई सारे बार किए होंगे कि आपका जो डाटा पैक है, नेट पैक, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर दो ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपका मोबाइल में उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो नेट पैक है, डाटा पैक, तो उसे आप काफ़ी हद तक आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पहले से नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से प्लीज़ इस वीडियो का एक लाइक कीजिए, और अगर पॉसिबल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल JP टेक न्यूज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मोबाइल डाटा सेव करने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है तो ये है आपका मोबाइल का जो सेटिंग है, तो इस सेटिंग के अंदर आपको जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग आइकॉन, तो जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से तरह तरह के सेटिंग आपको दिख जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको दो सेटिंग दिखाऊँगा, तो दोनों सेटिंग आप ध्यान से फॉलो कीजिए। और मेरा जो पहला टेक्निक है, तो इसके लिए आपका मोबाइल का जो नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, तो इसके अंदर आपको जाना है। तो हो सकते हैं फ्रेंड्स अलग अलग मोबाइल पे ये अलग अलग नाम पे हो, लेकिन आपको जाना है इस नेटवर्क सेटिंग के अंदर। तो जैसे आप इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से और भी सेटिंग मेनू आपको दिख जाएगा, और मिडिल में आपको ये दिख जाएगा डाटा सेवर। तो जैसे आप इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर उसे एनेबल करने के लिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो बेसिकली ये डिजेबल रहते तो आपको उसे एनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला टेक्निक। और यहाँ पर मोबाइल डाटा सेव करने के लिए मेरा जो सेकंड टेक्निक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान से फॉलो कीजिए। तो इसके लिए आपका मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसे यहाँ पर ओपन कर लीजिए, और जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको दिख जाएगा, और सबके ऊपर में राइट साइड में आपको ये 3 डॉट दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको एक एरो दिखेगा। तो जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ सेटिंग दिख जाएगा, और आपको थोड़ा सा नीचे तरफ देखना है, और यहाँ पर सबके नीचे आपको दिख जाएगा ये सेटिंग। जैसे आप इस सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे सेटिंग मेनू आपको दिख जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लाइट मोड या डाटा सेवर मोड। तो जैसे आप इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको उसे एनेबल करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा, तो बेसिकली पहले से ये डिजेबल रहते हैं। तो जैसे आप उसे एनेबल कर देंगे तो आपका जो मोबाइल डाटा यहाँ पर आप काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये दोनों प्रोसेस अप्लाई करके आप आपका मोबाइल में डाटा पैक आप काफ़ी हद तक आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आप आपका नेट पैक को आप सेव कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आप कुछ सीख पाया, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, आपको थोड़ा सा मदद मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।